हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपको इस वीडियो में ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखो फ्रेंड्स, देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है। अगर आपको जाली वाला डिज़ाइन पसंद है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए। बहुत ही इजी है, 4 रो का, 4 सिलाई का ये डिज़ाइन है और इवन नंबर पर ये डिज़ाइन चलता है फ्रेंड्स। जैसे 2, 4, 6, 8 इस टाइप के हमने इस पर फंदे रखने हैं। देखिए, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इसे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जैसे लेडीज़ कार्डिगन पे या बेबी फ्रॉक जो फ्रिल हम बनाते हैं, फ्रिल पे भी इसे डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसका बैक साइड और ये इसकी राइट साइड है। तो फिर चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस पे मैंने 12 फंदे डाले हैं। हमारा ये डिज़ाइन सीधी तरफ से स्टार्ट होगा, राइट साइड से। पहले हम अपना बॉर्डर तैयार करेंगे, उसके बाद हमने सीधी तरफ से ये डिज़ाइन स्टार्ट करना है। देखो, फर्स्ट रो राइट साइड, पहला फंदा मैंने स्लिप किया, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा आगे करना है। एक बार हम धागे को इस तरह से लपेटेंगे और देखिए, 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है। इस तरह से इसे उल्टा बुनना है, 2 फंदों पे सिलाई डाल के एक फंदा उल्टा बनाना है। फिर से हम धागा लपेटेंगे और 2 फंदों पर सिलाई डालेंगे एक साथ और इसे उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है उल्टा बुनते हुए। अगेन हम धागा लपेटेंगे सिलाई पे इस तरह से और 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे। देखिए इस तरह से उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करना है। पूरी रो हमने इसी तरह से करना है, एक बार धागा लपेटना है और एक बार 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है उल्टा बुनते हुए। देखिए इस तरह से, देखिए धागा लपेटा और 2 फंदों का एक फंदा करना है हमने। इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। देखिए ऐसे, लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा, इसे हमने सीधा बुन देना है। देखो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो ओवर होगी। अब देखिए हमारी सेकंड रो बैक साइड, बैक साइड से हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी हमने सारे फंदे बैक साइड से उल्टे बुनने हैं। इस बुनाई में बैक साइड हमारा पूरा उल्टा उल्टा ही बुना जाता है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही इजी डिज़ाइन है, जल्दी जल्दी बनके ये तैयार हो जाता है। बैक साइड से उल्टा उल्टा, केवल सीधी तरफ से हमारा डिज़ाइन डलता है। ये हमारी सेकंड रो है, बैक साइड पूरी उल्टी उल्टी। देखिए ये हमारी सेकंड रो हो गई। अब आ गए हम थर्ड रो पे, राइट साइड। थर्ड रो देखिए कैसे बुनेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखिए, पिछली बार हमने एक फंदा स्लिप किया था, एक बुना था, फिर हमने जाली बनाई थी, धागा लपेटा था। लेकिन अब की बार हम एक स्लिप करेंगे फंदा और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए एक स्लिप किया मैंने और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, इसके बाद हमने धागा लपेटना है। ध्यान से देखिएगा, थर्ड रो पे हमने इस तरह से करना है, 2 फंदों का एक फंदा करना है, धागा लपेटना है, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करना है। अब हमने पूरी रो इसी तरह से बुननी है, एक बार धागा लपेटना है और एक बार 2 फंदों का एक फंदा करना है उल्टा बुनते हुए। अब देखिए हमारे थर्ड रो में लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुनना है। देखो फ्रेंड्स, जैसे हमने इस रो की शुरू में हमने देखे, लास्ट में 2 फंदे उल्टे हैं, सीधे हैं, तो शुरू में भी हमारे 2 फंदे सीधे हैं। एक फंदा हमने स्लिप करा, एक बुना, वैसे ही किनारे पे आएगा हमारा 2 फंदे सीधे। अब देखिए फोर्थ रो बैक साइड, पहला फंदा सरकाया, बाकी हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। इस तरह से ये फंदा हमारा जाएगा, पूरी सिलाई जाएगी, पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुननी है। फोर्थ रो और इस डिज़ाइन की लास्ट रो है। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिज़ाइन पूरा हुआ। देखो कितना प्यारा बन के आया है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन्हीं 4 रो को बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।